हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, मेंडल एंड हेरिडिटी, दो चीज़। तो पहले हम पढ़ लें, समझ लें कि मेंडल कौन थे और हेरिडिटी क्या होती है। मेंडल जो थे उनका जन्म हुआ था 1822 को ऑस्ट्रिया में, एक फार्मर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक। अब स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, अपनी जो प्री एजुकेशन गेन करने के बाद ये एक चर्च में प्रीस्ट की तरह से वर्क करने लगे, मतलब चर्च के फादर बन गए। उसके बाद 1847 में इन्हें क्या किया गया, इन्हें नेचुरल साइंस की स्टडी के लिए, क्योंकि ये कृषक परिवार से थे तो ये प्लांट से बहुत क्लोजली रिलेटेड थे और ये थोड़ा सा अपना साइंटिफिक माइंड लगाते थे, तो इसलिए 1847 में इनकी प्रतिभाओं को देखते हुए 1847 में इन्हें नेचुरल साइंस की स्टडी करने के लिए वेन यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। नेचुरल साइंस की स्टडी करने के लिए वेन यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, जहाँ पर ये एक नेचुरल साइंस के टीचर के फॉर्म में वर्क करने लगे। लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्क किया और लास्ट में इन्हें क्या किया गया कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसके हेड ऑफिसर की तरह ही वर्क करने लगे। वहाँ पर इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्वीट पी पर किए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी, ठीक, हेरिडिटी इज द प्रोसेस इन विच द करेक्टर्स और वी कैन से जीन्स ऑफ पेरेंट्स गोज टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ऑफ मतलब हेरिडिटरी में क्या होता है कि जो पेरेंटल करेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में जाते हैं। ठीक है, ये हेरिडिटी हो गई। करेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स गोज टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए कि ये क्यों जाते हैं, कैसे कि एक प्लांट जैसा प्लांट होता है उसकी ऑफस्प्रिंग भी वैसे ही प्लांट हो जाती है या फिर कोई एनिमल है वैसे, तो ये करेक्टर्स कैसे जाते हैं। इनके लिए मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्वीट पी को चुना। ठीक है, अब ये स्वीट पी को चुनना भी उनका एक रीज़न था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे करेक्टर थे, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट। ठीक, नेक्स्ट ये प्लांट जो होता है बाईसेक्सुअल, यानी कि एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर बनते हैं और ये हैंडल्ड ईजीली कर किया जा सकता है। और ये प्लांट्स जो है उसके कलर्स में प्रेजेंट होता है और दूसरी चीज हैविंग मोर करेक्टर, इसके कलर्स कलर के अलावा भी बहुत सारे इसमें करेक्टर्स होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं, टी प्लांट में क्या क्या करेक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्लांट करेक्टर, ठीक, ये सी एच यानी कि करेक्टर। अब हम इसका डोमिनेंट लिख देंगे, डोमिनेंट क्या है उसका और रिसेसिव क्या है, ये भी हम जानेंगे कि रेसेसिव और डोमिनेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्लांट अगर हम करेक्टर की बात करें, जैसे कि सबसे पहला अगर हम करेक्टर लें कलर ऑफ फ्लावर, ठीक, कलर ऑफ फ्लावर में डोमिनेंट में हमारा हो जाएगा रेड एंड रेसेसिव में हमारा एज यूजुअल वाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पोजिशन ऑफ, ये फर्स्ट करेक्टर था, ये हमारा सेकंड करेक्टर हो जाएगा, पोजीशन ऑफ फ्लावर। फर्स्ट हमारा पोजीशन ऑफ फ्लावर यानी कि एग्जाइल है या फिर टर्मिनल है, ओवरीज की टर्मिनल है। ठीक, थर्ड हमारा करेक्टर हो जाएगा कलर ऑफ पॉड, यानी कि उसकी फली का कलर क्या है। अभी हम सीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम फली की बात कर रहे हैं। तो एक हो जाएगी ग्रीन, ग्रीन कलर्ड पॉड है या फिर येलो कलर, यानी कि डोमिनेंट में ग्रीन, सॉरी ग्रीन है ये और ये है रेसेसिव में येलो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ हो जाएगा शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड में शेप या तो होगा स्मूथ
यानी कि एकदम चिकना बढ़िया स्मूथ शेप है, या फिर इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड है। ठीक है, फिफ्थ करेक्टर हमारा हो जाएगा कलर ऑफ सीड। यहाँ पर एक और कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड क्या है, या तो होगा कलर ऑफ सीड येल्लो, येल्लो डोमिनेंट में आएगा। इसमें भी आप ये देख रहे हैं ना, ये वाले ये जैसे कि ये डोमिनेंट वाली लाइन में ये डोमिनेंट है और ये सारे रिसेसिव हैं, और रिसेसिव में क्या आ जाएगा ग्रीन। सेवन सिक्स करेक्टर है हमारा पोजीशन ऑफ स्टेम, पोजीशन ऑफ स्टेम कैसी है, टॉल यानी कि जो स्टेम है वो टॉल है, या फिर डोमिनेंट टॉल हो जाए टॉल हो जाएगा, और रेसेसिव क्या हो जाएगा ड्वार्फ। लास्ट करेक्टर है हमारा कलर ऑफ सीड, सॉरी कलर ऑफ सीड नहीं, शेप ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड हमारा हो चुका है, शेप ऑफ सीड, शेप कैसी है, राउंडेड है, राउंडेड हो जाएगा हमारा डोमिनेंट में, एंड रिंकल्ड यानी कि सिकड़ा हुआ सीड है हो जाएगा हमारा रेसेसिव में। और हाँ स्टूडेंट, मैं एक बात पहले कहना भूल गई कि ये हमारी जेनेटिक्स, जो हमारा जेनेटिक्स पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट का रिवीजन है। आप लोगों को वैसे सिलेबस सबको पता होगा, यूनिट फर्स्ट का रिवीजन। ठीक है।